बहुत समय बाद अब जाकर कहीं लगा है कि कांग्रेस को भी अपनी अहमियत समझ में आ रही है। कुछ नहीं तो कम से कम पार्टी आलाकमान ने अपनी हालत को देखते हुए पार्टी नेताओं की आपात बैठक तो बुलाई। अभी पार्टी नेतृत्व का जो हाल है, पार्टी में जो अंदरूनी कलह मची हुई है और आलाकमान के कान पर जू तक नहीं रेंगने वाले आलमात को देखते हुए अगर 16 अप्रैल दिन शनिवार को 10 जनपद पर आपात बैठक बुलाई गई है तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस जाग रही है। बड़ी बात यह है कि 4 घंटे तक 10 जनपद पर चली इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया था। प्रशांत किशोर भी कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में शामिल थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को देश भर में मजबूत बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है और उस पर भी सोनिया गांधी ने अमल कर लिया है और जल्द से जल्द एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। अब चलिए डिटेल में जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की डिटेल प्रेजेंटेशन में आखिर था क्या। अब जब सभी पार्टियां जोर शोर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, तो उसी लाइन पर चलते हुए प्रशांत किशोर ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का कांग्रेस के सामने रोडमैप पेश कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है। देश भर में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को फोकस सिर्फ 370 सीटों पर करना है। दूसरा सुझाव जो प्रशांत किशोर ने दिया है वो ये कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां ड्राइविंग सीट मजबूत सहयोगी को देकर चुनाव लड़ना होगा। लग रहा है जैसे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ये दो सुझाव कांग्रेस आलाकमान को थोड़ा समझ में तो आए हैं, तभी तो तुरंत की तुरंत कमेटी बना भी दी गई और एक हफ्ते में फैसला भी ले लिया जाएगा। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक बैठक में पीके ने 2024 को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कमेटी बनाने की घोषणा की। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी और अब एक हफ्ते में आने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस आगे की रणनीति पर काम करेगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी दिया। हालांकि इस पर पीके ने फैसला क्या लिया है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, 4 घंटे की बैठक में अगर पीके शामिल हुए हैं तो मतलब चाह जरूर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस थोड़ा बेहतर परफॉर्म करे। अब इसके लिए वो कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं, वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने 3 मई को भविष्य में आगे क्या करेंगे इस पर फैसला लेने की बात कही थी, क्योंकि 2 मई को चुनाव स्ट्रैटेजी का काम नहीं करने का प्रशांत किशोर ने फैसला लिया था। प्रशांत किशोर ने दोहराया भी था कि अब चुनाव रणनीति बनाने की फील्ड में नहीं रहूंगा। तो इस बैठक में जिसमें पीके ने 2024 के लिए कांग्रेस को तैयार करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो थे ही, साथ ही केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, एके एंटनी, दिग्विजय सिंह, अजय माकन, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे। ये अभी तक शांत पड़ी कांग्रेस में अचानक मची हलचल की वजह हार्दिक पटेल को माना जा रहा है। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हार्दिक पटेल पार्टी प्रदेश नेतृत्व से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी से बार बार शिकायत भी की, लेकिन कांग्रेस हाईकमान पर कोई फैसला नहीं ले पाने का हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया था। साथ ही पाटीदार नेता नरेश पटेल को कांग्रेस में शामिल नहीं करने के लिए भी नाराजगी जता चुके हैं हार्दिक पटेल। अब जब 10 जनपद पर बैठक हो गई तो लग रहा है जैसे पार्टी जाग गई है और सच में 2024 के चुनाव में अपने लिए कुछ करना चाहती है। मजबूत विपक्ष की भूमिका में तो कांग्रेस कब तक आ पाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन चलिए कम से कम कोशिश तो हुई, शुरुआत तो हुई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीके 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया लगा पाएंगे पार? क्या मोदी के सामने कांग्रेस को खड़ा हो पाने के लिए भी कर पाएंगे तैयार? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।